आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का, ये रुख करते हैं 100 बड़ी खबरों की ओर। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान, बोले अगले 7 से 8 महीने में शुरू हो जाएगी देश में उपग्रह संचार सेवा। नोटों पर फोटो की सियासत और तेज, केजरीवाल की पीएम को चिट्ठी, कहा तुरंत लगे तस्वीर। पीएफआई के पूर्व सचिव व सीए रऊफ गिरफ्तार, एनआईए ने केरल में की कार्रवाई। कर्नाटक में टी20 वर्ल्ड कप में सट्टेबाजी करने वाले 18 लोग गिरफ्तार, 4.68 लाख रुपए और 17 मोबाइल फोन बरामद। कांग्रेस का आरिफ मोहम्मद खान पर तीखा हमला, कहा संवैधानिक पद का अपमान कर रहे राज्यपाल। कांग्रेस का आरिफ मोहम्मद खान पर तीखा हमला, पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं 9% बढ़ी, हरियाणा में रही 26% की गिरावट। नीतीश कुमार के बाद अब तेजस्वी यादव भी नहीं जाएंगे मोकामा, अब तक कोई कार्यक्रम तय नहीं। रिजिजू के लेख पर कांग्रेस का पलटवार, कहा नेहरू को दोषी ठहराने के बजाय अपने शासनकाल का हिसाब दे भाजपा। पंजाब को दहलाने की कोशिश, फिरोजपुर में 3 AK-47, 3 पिस्टल और 200 गोलियां बरामद, जीरो लाइन के पास पड़ा था बैग। तमिलनाडु में हिंदी थोपने के खिलाफ होगी राज्यव्यापी बैठक, सीएम स्टालिन भी कर चुके हैं विरोध। विपक्षी एकता पर ममता नवीन का मन टटोलेंगे नीतीश, बंगाल में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मिलेंगे। आदित्य ठाकरे ने शिंदे सरकार पर कसा तंज, बोले महाराष्ट्र ने एक और बड़ी परियोजना गवा दी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान, बोले भारतीय नोटों पर होनी चाहिए अंबेडकर की तस्वीर। मेरठ में शराब के बंटवारे में हुई दलित युवक की हत्या, पुलिस ने नामजद 2 युवकों को दी क्लीन चिट। गाजियाबाद पुलिस ने मुठभेड़ में पशु तस्कर के पैर में मारी गोली, तो गाय काटने वाले के बदले सुर इरशाद, बोला गाय हमारी माता है। कानपुर में नाबालिग भतीजी से चाचा ने किया दुष्कर्म, धार्मिक स्थल पर बदहवास हालत में मिली मासूम, आरोपी मौके से फरार। यूपी में छठ पूजा पर चलेगी अतिरिक्त बसें, लखनऊ से पूर्वांचल के लिए 100 बसें, हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम भी एक्टिव।
ताजमहल आए टूरिस्ट से सिपाही बोला मुंह तोड़ दूंगा, तेरा अभद्रता का वीडियो सामने आया। गोंडा में दूसरे समुदाय के लोगों ने साधु को पीटा, महालक्ष्मी पूजा मूर्ति विसर्जन में जाते समय की मारपीट, तीन पर मुकदमा। अयोध्या के दंगल में जुटे 10 जिलों से 80 पहलवान, पवन पांडे बोले नेताजी ने कुश्ती को दिया बढ़ावा। प्रेमी के घर के बाहर प्रेमिका ने खाया जहर, बिजनौर में गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर, 3 सालों से चल रहा था प्रेम प्रसंग। पुलिस मुठभेड़ में रिटायर दरोगा के बेटे का हत्यारोपी गिरफ्तार, गाजियाबाद में पकड़े जाने पर सब इंस्पेक्टर की पिस्टल छीनकर फायरिंग की। बदायूं में कार ने बाइक को मारी टक्कर, महिला की मौत, पति गंभीर रूप से घायल, दातागंज रोड पर गांव लखनपुर के पास हादसा। सहारनपुर की पुलिस लाइन में शस्त्र हुई प्रतियोगिता, एसएसपी विपिन ताड़ा ने शुक्रवार परेड की सलामी ली। अमेठी पुलिस लाइन में एसपी ने ली परेड की सलामी, मेस का भोजन चेक कर जांची गुणवत्ता, सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। महिला टीचर के घर में 13 लाख की ज्वेलरी चोरी, गाजियाबाद में फर्नीचर रेजिडेंसी के रेजिडेंट्स का हंगामा। मिर्जापुर में एसपी ने लगाई दौड़, किया पशु, अब जवानों को फिट रहने का मंत्र, कहा ईमानदारी से करें इस पर अमल। मुरादाबाद में प्रसूता की मौत के बाद अस्पताल सील, ऑपरेशन में हुई थी डिलीवरी, फिर अचानक बिगड़ गई महिला की हालत। ललितपुर में इलाज के दौरान महिला की मौत, पोस्टमार्टम नहीं कराने पर अड़े परिजन, काटा हंगामा, चिकित्सकों से की अभद्रता। मऊ डिपो की अनियंत्रित बस मिठाई की दुकान में घुसी, बाल बाल बचे लोग, टला बड़ा हादसा, गाड़ी स्टार्ट कर सवारियां भरते हैं चालक। पीलीभीत सड़क हादसे में युवक की मौत, भैयादूज पर टीका कराकर बाइक से घर लौट रहा था, कार की टक्कर से हुआ हादसा। बाराबंकी में कच्ची दीवार गिरी, 6 लोग दबे, भैयादूज पर पति के साथ मायके आई थी महिला की मौत। प्रयागराज लखनऊ में डेंगू के सबसे ज्यादा केस, प्लेटलेट्स के साथ तेजी से गिर रहा ब्लड प्रेशर, लखनऊ में 10 दिन में 256 मामले। फतेहपुर में पराली जलाने पर होगी कार्रवाई, डीएम ने बनाई निगरानी समिति, टास्क फोर्स गठित, गांवों में मुनादी कराकर पराली न जलाने की अपील की गई। श्रावस्ती में गणेश लक्ष्मी की निकलेगी विसर्जन यात्रा, 9 स्थानों से मूर्ति लेकर निकलेंगे श्रद्धालु, 5 दिन के बाद नदी में होगी प्रवाहित। शाहजहांपुर में इलाज के दौरान आरोपी की मौत, जुआ खेलने पर पुलिस ले आई थी थाने, पत्नी बोली पिटाई से पति की गई है जान। बलिया में सपा विधायक की कोतवाल से तूतू मैं पैकेट के पास गाड़ी खड़ी करने से मना करने पर बेटे से हुआ था विवाद। पंखे की चपेट में आने से महिला की मौत, बागपत में खेत में धान बरसाते समय दुपट्टा फंसने से हादसा, नहीं हुआ पोस्टमार्टम।
बिजनौर में सड़क हादसे में दो युवकों की मौत, महिला समेत दो घायल, बाइक की आमने सामने टक्कर में हुई दुर्घटना। चंदौली में भाजपा सांसद निरहुआ के बयान पर सपा का पलटवार, कहा आजमगढ़ में अभी तक जितना विकास हुआ है वह सपा के कार्यकाल में ही हुआ। गोंडा में इलाज कराने आई महिला के साथ डॉक्टर ने किया दुष्कर्म, आरोपी डॉक्टर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला लापता, परिजन जता रहे हत्या की आशंका, पुलिस पर मामले में लीपापोती करने का आरोप। रायबरेली में रोटावेटर से कटकर किसान की मौत, खेत की जुताई करते समय हुआ हादसा। गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा यूसीसी से महिलाओं की स्थिति में होगा सुधार। उत्तराखंड कांग्रेस और एसीसी प्रकोष्ठ के बदलेंगे तेवर, नए संगठन पर दिखेगा खड़गे का प्रभाव। रुद्रपुर में केरल के राज्यपाल बोले 14 वर्ष उम्र के बच्चों को स्पेशलाइज्ड शिक्षा देना मानवाधिकार का उल्लंघन है। उत्तराखंड में तापमान में अधिक उतार चढ़ाव से अब बढ़ने लगी ठंड, आने वाले दिनों में कुछ ऐसा रहेगा मौसम। उत्तराखंड में अवैध खनन पर रोक को अब ड्रोन से की जाएगी निगरानी, पहले चरण में 50 स्थानों पर होंगे तैनात। उत्तराखंड गोलापार में वन भूमि पर खड़े घर पर चला बुलडोजर, सामान जब्त, जिम्मेदार को छोड़ दिया। उत्तराखंड के रायपुर में आतंक का पर्याय बना गुलदार कैद, एक घंटे की मशक्कत के बाद ट्रैंकुलाइज कर पकड़ा। उत्तराखंड में महिला क्षतिज आरक्षण के अध्यादेश का ड्राफ्ट तैयार, राज्यपाल की मंजूरी के बाद होगा लागू। उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थाटन में भरा फर्राटा, चार धाम यात्रा का बना रिकॉर्ड, हुई 211 करोड़ से ज्यादा की आय। दरोगा भर्ती धानली में पुलिस मुख्यालय को नकलची दरोगाओं के नाम जल्द सौंप सकती है विजिलेंस, 12 पर दर्ज है मुकदमा। उत्तराखंड के शिमला बाईपास रोड पर ट्रक ने 6 साल के बच्चे को रौंदा, मौके पर हुई मौत, दादा और बड़ी बहन गंभीर रूप से घायल। उत्तराखंड के देहरादून में 108 एम्बुलेंस की टक्कर से ऑटो चालक की मौत, परिजनों ने मुख्यालय के बाहर शव रख कर किया प्रदर्शन। उत्तराखंड में बाबा केदार के जयकारों के बीच धाम के कपाट बंद, अब 6 माह मंदिर में रहेंगे विराजमान। उत्तराखंड में केएमवीएन जीएनवीएन का एकीकरण को लेकर बनी सहमति की बैठक में तैयार होगा नए ढांचे का खाका। उत्तराखंड में जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ जवानों ने की चालक की पिटाई, भड़के लोगों ने किया जमकर हंगामा। उत्तर कोरिया में सत्तारूढ़ सैन्य शासक किम जोन उन ने पूर्वी सागर की ओर दागी बैलिस्टिक मिसाइल, अब परमाणु परीक्षण का अंदेशा।
इमरान खान ने किया आजादी मार्च का ऐलान, समर्थकों ने इस्लामाबाद के लिए किया कूच। हांगकांग की अदालत में ताली बजाने की तालिबानी सजा, तीन ने दो नागरिकों को देशद्रोही करार दिया। पुतिन के लिए भारी पड़ रही यूक्रेन से जंग, रूस ने पहली बार माना इस हफ्ते 23 सैनिकों की गई जान। चीन के वुहान में तीन साल बाद फिर लगा लॉकडाउन, एक हफ्ते में मिले कई नए कोरोना केस। लाहौर में भीड़ ने इमरान खान को घेरा, घड़ी चोर के नारे लगाए, इमरान पर बेशकीमती घड़ियां और गिफ्ट्स बेचने का है आरोप। व्लादिमीर पुतिन ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की, बोले स्वतंत्र विदेश नीति रखने का है दम, पश्चिमी देशों के दबाव में नहीं आया भारत। पुतिन की पश्चिमी देशों को नसीहत, कहा दुनिया अब किसी की बपौती नहीं, खतरनाक और खूनी खेल बंद करें वेस्टर्न वर्ल्ड। ट्विटर चीफ बनते ही मस्क ने सीईओ पराग को हटाया, कहा चाहता हूं ट्विटर पर लोग फिल्म देख सकें और वीडियो गेम खेल सकें। अमेरिका में सड़क हादसे में तीन भारतीय स्टूडेंट्स की मौत, पांच घायल, जांच में जुटी पुलिस। ट्विटर में बड़े बदलाव करेंगे नए चीफ मस्क, सीईओ को हटाया, कहा चाहता हूं ट्विटर पर लोग फिल्में देखें। एलन मस्क के ट्विटर एम्प्लॉयज से कॉफी पर चर्चा, ट्विटर हेडक्वार्टर पहुंचकर कर्मचारियों से की बात। डव ड्राई शैम्पू से कैंसर का खतरा, एचयूएल का दावा, भारत में ये प्रोडक्ट नहीं बेचते लेकिन ई कॉमर्स वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध। आईफोन में अब मिलेगा यूएसबी सी पोर्ट, ईओ के आदेश के बाद एप्पल का फैसला, आईफोन 15 सीरीज में मिल सकता है चार्जर। बादशाह मसाले में 51% हिस्सेदारी खरीदेगा डाबर, 587.52 करोड़ रुपए की डील साइन। लगातार दो तिमाहियों में गिरावट के बाद हर निशान पर अमेरिकी जीडीपी, फिलहाल मंदी नहीं। की कमान संभालने के घंटे बाद एलन मस्क ने किया ट्वीट, लिखा अब चिड़िया आजाद। फिलिप्स ने पूजा वैद को नया मार्केटिंग प्रमुख चुना, कोक के पलट दे कैंपेन में भी प्रमुख भूमिका। रिलायंस ने रखा मेटावर्स में कदम, वर्चुअल दुनिया में आय कमाने का मौका देने वाली पहली भारतीय कंपनी। सीबीडीटी ने टीडीएस विवरण दाखिल करने की समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ाई, परेशानियों को देखते हुए लिया गया निर्णय। आयरलैंड अफगानिस्तान मैच रद्द, बारिश ने अफगान उम्मीदों पर फेरा पानी, आयरलैंड दूसरे नंबर पर आया। जिम्बाब्वे के खिलाफ हार के बाद रंबीज राजा पर भड़के मोहम्मद आमिर, बोले छुटकारा पाने का वक्त आ गया।
सूर्य कुमार यादव ने मोहम्मद रिजवान को छोड़ा पीछे। सूर्य कुमार ने साल 2022 में 867 रन बनाए हैं। कोहली ने तोड़ा क्रिस गेल का रिकॉर्ड। टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। पाक को हराने के बाद सिकंदर रजा ने ऐतिहासिक जीत के बाद बताई अपनी फीलिंग। कहा, प्रेरणा तो थी लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा करने की जरूरत थी। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराकर किया बड़ा उलटफेर। रोमांचक मैच में एक रन से दी मात। जिम्बाब्वे से मिली शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने दिया बड़ा बयान। कहा, मेरी टीम द्वारा बहुत निराशाजनक प्रदर्शन है। ऐतिहासिक जीत के बाद जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति ने लिए पाक के मजे। कहा, अगली बार असली मिस्टर बीन को भेजना। हार पर भड़के पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी सुएब बोले, शर्मनाक, मैं बहुत निराश हूं। आमिर ने पीसीबी चेयरमैन से मांगा इस्तीफा। भारत नीदरलैंड मैच में भावुक हुए कोहली सूर्या। पारी की आखिरी गेंद पर पूरी हुई सूर्या की हाफ सेंचुरी विराट ने गले से लगा लिया। दीपिका पादुकोण का लेटेस्ट हुआ लुक वायरल। ऑल ब्लैक लुक में स्पॉट हुई एक्ट्रेस। वीडियो देख फैंस लुटा रहे प्यार। इशारों में गौहर ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, कमजोर नेता ही आगे बढ़ने के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। मार्वल के सुपर हीरोज के बीच नजर आए नीरज चोपड़ा। मार्वल इंडिया ने ब्लैक पैंथर वकांडा फॉर एवर के प्रोमो में दिखाया। झलक दिखला जा के सेट पर पहुंची जानवी कपूर। माधुरी दीक्षित के साथ लगाए ठुमके। श्रीदेवी को किया याद। ब्रीद इनटू द शैडोज सीजन 2 ट्रेलर हुआ रिलीज। सस्पेंस के साथ लौट रहे हैं अभिषेक बच्चन। 9 नवंबर को ओटीटी पर रिलीज होगी स्ट्रीम। कमल किशोर मिश्रा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रोड्यूसर ने बीवी को कार से कुचलकर मारने की कोशिश की थी। फ्रेडी होगी ओटीटी पर रिलीज। कार्तिक आर्यन बोले, इस फिल्म का हिस्सा बनकर मैं खुद को लक्की मानता हूं। सोशियो पॉलिटिकल ड्रामा तनाव का टीजर रिलीज। इजरायली सीरीज ने ली गई है कहानी। अरबाज खान की होगी वापसी। फिल्म यशोदा का ट्रेलर हुआ रिलीज। प्रेग्नेंट महिला के किरदार में नजर आएंगी सानमथा। 11 नवंबर को होगी फिल्म रिलीज। चाचा चौधरी में दिखेंगे फोन भूत के किरदार। मेकर्स ने मशहूर कॉमिक बुक कंपनी डायमंड टूल्स के साथ किया कोलैबोरेट। शतक में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।